ए वाला MIUI थीम उनको पसंद आएगा जिनको नया वाला स्पाइडरमैन काफ़ी पसंद है। आप इसका लॉक स्क्रीन देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा फ्राइडे डिसम्बर, आपको क्लॉक, आपको एक स्पाइडर जो है सिंबल भी देखने को मिल जाएगा इस साइड में। जो वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन का काफ़ी अच्छा है, और जैसे ही आप अनलॉक करोगे आपको होम स्क्रीन में इस प्रकार से दिखेगा। बहुत ही अच्छा लगता है इसका होम स्क्रीन देखने में, काफ़ी डार्क डार्क आपको फील आएगा। और जो आइकॉन्स पैक है आप देख सकते हैं कि रेड रेड आइकॉन्स पैक आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको बैकग्राउंड में जो है कलर आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर का। और एक बात की इस थीम को यूज़ करने के लिए आपको डार्क मोड यूज़ करना पड़ेगा, जी हाँ। और इसके कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर में आप देख सकते हैं कि चेंज देखने को मिल जाएगा। MIUI 13 सपोर्टेड है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास MIUI 13 है। आपको इस प्रकार से जो है पीछे जो है देखने को मिल जाएगा 3 स्पाइडरमैन पीछे, इधर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर के जो आइकॉन से आपको थोड़े बहुत चेंजेस नज़र आएगा। सेटिंग की बात करें तो सेटिंग का UI भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेटिंग का UI भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, स्पेशली जिनको स्पाइडरमैन काफ़ी पसंद है उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस साइड में जो है कंट्रोल सेंटर में जो नोटिफिकेशन आता है उधर भी आप देख सकते हैं कि आपको रेड रेड, और जो स्टेटस बार में जो आइकॉन से वो भी आपको चेंजेस नज़र आएगा। इधर जो क्रॉस बटन क्लियर बटन है वो भी आप देख सकते हैं, इधर जो क्लॉक है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थीम काफ़ी अच्छा है उनके लिए जिनको स्पाइडरमैन काफ़ी पसंद है, जो मार्बल के फ़ैन भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनको कुछ भी नहीं लेना देना सिर्फ थीम अप्लाई करना है उनको भी काफ़ी पसंद आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये MIUI 13 सपोर्टेड है, और इसको यूज़ करने के लिए आपको डार्क मोड एनेबल करना होगा तभी अप्लाई होगा अच्छी तरह से। और थीम स्टोर में आपको सर्च करना होगा स्पाइडर UI, सेम टू सेम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा पहले ही ऑप्शन में। 24.2 MB का है, टोटली फ्री है, फ्रीली डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे आपके Xiaomi, Redmi या फिर पोको फोन में जहाँ पे MIUI चलता है। फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आपको डार्क मोड एनेबल करके अप्लाई करना होगा तभी ये पूरा अप्लाई होगा।